दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने किसी भी ब्राउजर का यूज करते हुए गूगल को डार्क मोड में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि गूगल पे डार्क मोड को किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गूगल क्रोम यूज करते हैं, यूसी ब्राउजर यूज करते हैं, सफारी यूज करते हैं, कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं, आप किसी भी ब्राउजर को यूज करते हो आप गूगल को डार्क मोड में इनेबल कर पाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गूगल पे डार्क मोड को किस तरह से इनेबल किया जाता है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटी सी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो भी आपका फेवरेट ब्राउजर है आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद ऊपर आपको सर्च में जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली गूगल टाइप कर देना है। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ google.co.in या .com, जो भी आप ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल को ओपन किया हुआ है। चलिए मैंने इसको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में किया हुआ है तो मैं इसको यहाँ पर मोबाइल मोड में कर देता हूँ। तो चलिए जैसे कि इस तरह से आपको सबसे पहले तो गूगल को ओपन कर लेना है अपने किसी भी ब्राउजर में। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है आपको 3 डॉट पर चले जाना है और 3 डॉट पर जाएंगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि सर्च हिस्ट्री, कलेक्शन, ऑफलाइन सर्च, सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन मिलता है आपको सिंपली सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग पर जाएंगे यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलता है अपीयरेंस का। अपीयरेंस में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डार्क थीम, देख सकते हैं डिवाइस डिफॉल्ट, डार्क थीम और लाइट थीम। तो यहाँ पे हमें डार्क थीम को इनेबल करना है तो आपको यहाँ से डार्क थीम को सिलेक्ट कर लेना है। डार्क थीम को सिलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके बॉटम पे आ जाना है और बॉटम पे आके यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली सेव पे टैप कर देना है और इसके बाद आपके सामने इस तरह का पॉपअप ओपन होता है। तो यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिए। बस दोस्तों इसके बाद आपका ब्राउजर एक बार रिफ्रेश होगा और यहाँ पर आपसे कैप्चा वगैरह मांग सकता है। जरूरी नहीं कि आपसे कैप्चा मांगे, लेकिन अगर मांगता है तो आपको इस कैप्चा को यहाँ से इस तरह से वेरीफाई कर देना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे गूगल पे डार्क मोड एनेबल हो चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप भी गूगल को डार्क मोड में यूज करना चाहते हैं, अपने गूगल पे डार्क मोड को एनेबल करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।